झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महंगाई के मोर्चे पर चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अप्रैल में थोक महंगाई बढ़कर 15% के पार पहुंच जाने के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि रिजर्व बैंक जून में होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत दरों में और इजाफा कर सकता है। ऐसा होने पर बैंक भी दरें बढ़ाने पर मजबूर होंगे, जिससे सभी तरह के कर्ज और महंगे हो सकते हैं। अप्रैल की थोक महंगाई में सब्जियों, गेहूं, फल और आलू की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि देखी गई। इसके अलावा ईंधन, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के साथ साथ विनिर्माण वस्तुओं के दाम में उछाल आया है। माना जा रहा है कि अप्रैल के थोक महंगाई का असर मई के खुदरा महंगाई के आंकड़ों में देखने को मिल सकता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई पर अंकुश सरकार के लिए दोहरी चुनौती है। महंगाई पर अंकुश के लिए रिजर्व बैंक दरें बढ़ाने पर मजबूर हुआ है और इस महीने की शुरुआत में अचानक 0.40% दरें बढ़ने का ऐलान किया गया है। वहीं वित्त सचिव ने कहा कि दरें बढ़ाने से आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ने की आशंका है। कच्चा तेल फिर $114 के पार पहुंच गया है। इसके मद्देनज़र कंपनियां तेल के दाम फिर बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। पिछले 40 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि विमान ईंधन की कीमतों में इस महीने 2 बार वृद्धि हो चुकी है। तेल कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की बिक्री पर मौजूदा समय में 10 से 12 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। ईंधन की कीमतों में उछाल का महंगाई पर चौतरफा असर होता है। इससे परिवहन लागत बढ़ने से खाने पीने से लेकर उपभोक्ता उत्पाद तक महंगा हो जाता है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार ईंधन की कीमतों में 10% इजाफा होने पर खुदरा महंगाई करीब 0.8% बढ़ जाती है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक कई बार सरकार से अपील कर चुका है कि तेल कीमतों पर अंकुश के लिए तुरंत कोई उपाय किया जाए, वरना महंगाई पर अंकुश मुश्किल होगा। थोक महंगाई में थोक विक्रेताओं के बिंदु पर कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है और केवल वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है, जबकि खुदरा महंगाई में खुदरा विक्रेता के बिंदु पर मूल्य वृद्धि को मापा है और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को भी शामिल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।